व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग पापा और मैं बाहर से आए हैं और हमने एक स्पेशल चीज लाई है, वो हमको चलो आपको दिखाते हैं। तो क्या है वो पापा चीज बताओ? ये साइड इंडिकेटर है, हैंडल में लगता है। ये देखो, इस वायर को कनेक्ट करके यहाँ से जोड़ लिया है और इसके वायर लंबे कर लिए ताकि हमको खींचत आनी ना करना। तो चलो इसको लगाते हैं। हम तो आज पापा के बुलेट का न्यू लाइट लगेगा। पापा को हमारे, अरे बाप रे, क्या चीज है, जग रखा था नीचे, मैं देखा नहीं। इसकी वायरिंग करने के लिए हम कुछ पतला वाला तार चाहिए, तो बाबा रखे उसको लेते हैं। जल्दी जल्दी वो ये मिल गया गाइस हमको तार। अब चलो इसको फिट करते हैं फटाक से। ये लो कहाँ गए? क्या करने है अब इसको? पहले उसमें कनेक्ट करो। यहाँ है क्या इसका छेद? ये देखो भाई, निकला नहीं। अटक गया होगा शायद। अब जो इसके सामने का हिस्सा कर्व कर दिए जिससे आ जाएगा बाहर, पहले अटक रहा था अब फिर अटक गया कहीं, यहीं कहीं अटक रहा है यार। पहले वाले लाइट का वायर निकला था गाइस, इधर से डालने पे आ जा रहा है, लेकिन इधर से डालने पे क्या है, ये चूड़ी की वजह से अटक रहा है। चूड़ी की वजह से। अब पापा इसके लिए एक टेक्निक बना रहे, पता नहीं क्या बना रहे। ये तो पहले भी किए थे। मैं समझ गया। गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसका नाइट व्यू भी हम लोग दिखाने वाले हैं। ये लाइट का कैसा है अभी नहीं चलाएंगे इसको, ये सरप्राइज है। इसके वीडियो को लास्ट के एंड में दिखाने वाले आपको इसका नाइट व्यू कैसा आता है और कैसा ये ग्लो करता है। तो वीडियो को एंड तक के देखना, पहले इसको फिक्स तो कर ले तभी तो इसको दिखाएंगे, वरना ऐसे दिखा के क्या करेंगे। जुड़ तो गया पर ये आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कुछ अटक रहा है। एक तार अंदर घुस गया। अरे यार, बीच वाला तार अंदर ही रह गया, दिख ही नहीं रहा है। लोल हमारा लोल। अब क्या करेंगे, अब तो ये और मुश्किल हो गया। अब मेरे को लगता है इस हैंडल का सर्जरी करना पड़ेगा, हमें इसको उखाड़ना पड़ेगा, इसको काट के कुछ करना पड़ेगा। इसको नीचे से चीरा मार देते हैं ऐसे, फिर वो तार को खींच। गाइस वाला वायर बाहर आ गया है, देखो पतला वाला। अच्छा हुआ निकल गया, अब क्या करें। अब हाँ ठीक है, अब इसको जो है हमको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तुम कहाँ आ रही हो? अरे गाइस हमारा इंस्टाग्राम आपने फॉलो नहीं किया तो फटाक से कर दो, नया बना है अभी अभी हमारे YouTube चैनल का इंस्टाग्राम, जिसकी आईडी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमने सोचा है कि इस वायर को सीधा डाल के देखते हैं, ये बाहर आ जाएगा। अपन इतना तार वार वाला फंक्शन फालतू कर रहे थे, यहाँ क्या पता इसके साथ जो सोल्डिंग के वो टूट जाए, अंदर ही अटक जाए सब। गाइस लगता है पापा को दिख गया है, वो बाहर आ रहे हैं। तो देखिए मैं तो बोला था पहले ही इसको डाल दो, फालतू इतना कन्वर्ट कर रहे थे हम। ये लग गया हमारा लाइट इस तरफ से, अब इसको घुमा के बस टाइट करना है। हमारा ये वाला लाइट लग रहा है गाइस, बढ़िया दिख रहा है यार। तो गाइस एक तरफ का लाइट तो लग चुका है, अब इसका उस साइड का देखना है। वो भी ऐसा होता है कि उसमें भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा।
अब बारी है इस वाले की। ये वाला तो फिक्स हो गया, इसको अभी नहीं जला के दिखाएंगे, रात को दिखाएंगे। अब इसकी बारी है, ये देखते हैं क्या होता है। चलो अब इसको निकाला जाए। गाइस ये देखो, इधर से भी आ चुका है वायर। ये देखो ये निकल गया वायर हमारा। तो चलो अच्छा हुआ दोनों लग गया, अब इसको भी टाइट करते हैं। अब बस सबसे बड़ा खेल हमारा वायरिंग का है, तो वो कर लोगे पापा? तो आराम से हो जाएगा। ये देखो गाइस ये भी फिक्स हो गया। अब वायरिंग यार गाइस दोनों तरफ के हैंडल का हो चुका है, इधर का भी और इधर का भी। अब वायरिंग करते हैं, सबसे पहले कोटिंग ताकि ये सेफ रहे। गाइस एक पट्टी आती है मतलब पीवीसी का प्लास्टिक वाली, उसको काले कलर की, उसको वायर के ऊपर लगाते हैं जिससे वायर सेफ रहे। वो जो मैंने आपको दिखाया था वो जो है ना थोड़ी छोटी पड़ गई, इतनी सारी वायर को कैप्चर नहीं कर पा रहा अंदर एरिया। तो अभी हम लोग बड़ा वाला लेने जा रहे हैं, थोड़ा मोटा रहेगा अंदर से। गाइस ये देखो पाइप भी लेके आ गए अपन, अब इसको लगाते हैं फटाक से। देखो गाइस ये एकदम परफेक्टली फिक्स हो गया है। देखो गाइस इसको ऐसे गरम करते हैं, फिर ये पकड़ लेते हैं टाइट से। इस साइड का तो हो गया गाइस, अब इस साइड की बारी है। ये देखो गाइस हो रहा है इधर का भी, अब ये भी फिक्स हो जाएगा। ये है निगेटिव वायर। निगेटिव कॉमन कॉमन, अब इसको एक साथ रखेंगे, ये किसी में भी जुड़ जाएगा। ये जो है ये अलग अलग कलर जलाता है। गाइज लाइट्स लग चुकी है, अब इसको हम लोग अभी नहीं जलाने वाले क्योंकि अभी आपको कुछ अच्छे से दिखने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग इसको रात को जरूर जलाने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और फटाक से, अभी हम लोग नहाए भी नहीं है सोचो। पापा तो अपना बुलेट चमकाते रहेंगे, मैं चलता हूँ ऊपर और नहा लेता हूँ वरना मम्मी मेरे को डांटेगी। तो गाइस अभी हो चुकी है रात और देखो अंधेरा भी हो चुका है। अब हम लोग आपको अपनी बुलेट की लाइटिंग दिखाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो बुलेट की लाइटिंग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा कर देते हैं अंधेरा, ट्यूब लाइट और स्ट्रीट लाइट को करते हैं बंद। और देखो गाइस अभी हो चुका है अंधेरा और अब हम लोग आपको हमारी बुलेट की लाइट दिखाने वाले हैं, तो पापा चालू कर दो। ये देखो गाइस, तो फर्स्ट मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये जो है इसका हाइलोजन और ये जो इसके ड्यूल वाइट लाइट्स जो इसके ऊपर हेडलैम्प पे हैं, ये जो हम लोग आज सुबह लगाए हैं, आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है। इसकी जो यहाँ पे है इस साइड में रॉयल इनफील्ड और यहाँ पे रेड कलर है, चिन्नी टाइप का आग लगा है जैसे कि। और इसके ये इस साइड है वाइट लाइट ये। अब पापा हमारे पहले वाली लाइट भी जला दो एक बार। अबे एक और लाइट दिखाते हैं, ये देखो गाइस। तो ये जो है हम लोग थोड़ा रात को घूमते हैं तो इसलिए ये, ताकि अंधेरे में अच्छे से रोशनी आए और आपको व्यू भी क्लियर दिखे। तो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देना। हाँ तो अब दूसरा लाइट दिखाते हैं। ये देखो गाइस इस हैंडल पे ये सिर्फ नॉर्मल लाइट है, इसमें इंडिकेटर लाइट भी है। तो आप जैसे देख पा रहे हो इधर के साइड इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं, जिसके वजह से हैंडल के इंडिकेटर भी चल रहे हैं। अब इसको उधर वाला भी दिखा देते हैं। अब जो है हम लोग एक स्पेशल चालू करने वाले हैं, तो पापा उसको चालू करो। अब देखो गाइस अब बताओ बुलेट कैसी लग रही है। अब तो आपको पक्का ही मजा आ गया होगा क्योंकि ये देखो इसके दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं और दोनों चारों इंडिकेटर चल रहे हैं, चारों नहीं अब छह हो गया ना क्योंकि इसके हैंडल्स में भी आ गए इंडिकेटर, छह इंडिकेटर चल रहे हैं। कैसा लगा आपको कमेंट में अब बताना। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बता देना, और सिनेमैटिक्स के लिए एक लाइक तो बनता है फटाक से कर दो, और बुलेट की लाइटिंग कैसी लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बता देना। तो आपको मजा आया कि नहीं, आया ना जरूर हमारी बुलेट की लाइटिंग। तो ये इसके लिए हमने पूरा संडे बिता दिया अपना, बुलेट की लाइटिंग में हमारा संडे वेस्ट हो गया क्योंकि
टाइम लगता है यार बहुत इसको बनाने में। हाँ वेस्ट नहीं हुआ, क्रिएटिविटी हुआ, क्योंकि इसमें आपको भी मजा आया और हमको भी मजा आया। तो इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे न्यू कर दो। हाँ बुलेट भी अच्छी दिख रही है, ये देखो मम्मी सब्जी काट रही है। तो गाइस कमेंट करना कैसा लगा आप, क्योंकि उसमें सारे मोटो ब्लॉग हम लोग उसी में बनाते हैं यार, वो नहीं होगी तो मजा ही कहाँ आएगा। बुलेट के लिए एक तो लाइक बनता है और चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को हम लोग करने जा रहे हैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय।